हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू वीओई एकेडमी। ये जो आपकी सीरीज चल रही है, दिस इज फॉर योर क्लास 10th फिजिक्स, और हम अपने आगे के टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर यूजेस ऑफ मिरर्स के बारे में पढ़ा था। तो हमने जनरली अपने इन क्लासेस के अंदर तीन तरीके के मिरर्स पढ़े हैं। वो तीन तरीके के मिरर कौन से हैं? फर्स्ट वन इज द प्लेन मिरर, नेक्स्ट इज द कनकेव मिरर, एंड द थर्ड वन इज द कन्वेक्स मिरर। तो हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने इन तीनों तरीके के मिरर्स के कुछ यूजेस देखे, ऐसे यूजेस जो हमें डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। जैसे प्लेन मिरर, तो आप यूजुअली अपने घर में देखते ही होंगे, जो मिरर आप ड्रेसअप होने के लिए, तैयार होने के लिए यूज करते हो, वो क्या है? सिंपली एक प्लेन मिरर है, क्योंकि वो क्या देता है आपको? एग्जैक्टली वही सेम साइज की इमेज देता है जिस साइज के आप होते हो। जनरली आप अपने मिरर में ये देखना चाहते हो ना कि आप कैसा लग रहे हो, तो यू वांट द सेम साइज, सेम कलर कम्प्लेक्शन। तो वो चीज कौन देता है आपको? प्लेन मिरर देता है। और कनकेव मिरर क्या करता है? कनकेव मिरर डिपेंड करता है कि आप कनकेव मिरर के पास कितने डिस्टेंस पे खड़े हो, उसके हिसाब से वो क्या कर देता है, आपको एक इमेज प्रोवाइड करता है। अगर आप कनकेव मिरर के काफी पास में आ जाते हो, तो उसकी इमेज क्या होती है? जनरली एनलार्ज्ड इमेज बनती है, जो ज्यादातर एप्लीकेशंस में यूज की जाती है। जैसे जो डेंटिस्ट होते हैं, वो जब उनको आपके टीथ चेक करने हो, तो वो क्या करते हैं, अपने स्पेचुला टूल के साथ उनके पास क्या लगा होता है? एक कनकेव मिरर लगा होता है। वो कनकेव मिरर में से चेक करते हैं कि उसको देखते हैं बड़ा करके कि हाँ आपकी टूथ में कोई दिक्कत है या नहीं है, उसके बेसिस पे आपको डिस्क्रिप्शन देते हैं। सिमिलरली जो आपका कन्वेक्स मिरर है, आपका कन्वेक्स मिरर को हम जनरली रियर व्यू मिरर भी बोलते हैं। रियर व्यू मिरर यानी वो मिरर जो हमें पीछे की जो भी चीजें हैं वो दिखा सके। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी एक एप्लीकेशन है। ये कहाँ यूज होता है? आपके कार्स के या आपके जो भी व्हीकल्स होते हैं उसमें जो आपको मिरर्स दिखाई देते हैं, जो साइड्स पे लगे होते हैं, दे आर एक्चुअली कन्वेक्स मिरर। वो कौन से मिरर्स होते हैं? वो होते हैं कन्वेक्स मिरर्स, ठीक है। तो अब कन्वेक्स मिरर क्या होता है? अब कन्वेक्स मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कन्वेक्स मिरर आपको जो आपकी इमेज है वो थोड़ी छोटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखो, अब आपके पीछे आपको रोड पे देखना है, तो आप क्या चाहते हो? आपको पूरा 180 डिग्री व्यू चाहिए, या ऑलमोस्ट लगा 120 डिग्री एंगल तक का व्यू चाहिए आपको कि मेरे पीछे पीछे इधर वाली साइड पे कौन सा व्हीकल आ रहा है, इधर साइड से कौन सा व्हीकल आ रहा है। बिकॉज दैट विल प्रोवाइड यू अ बेटर एरिया, या बेटर जजमेंट प्रोवाइड करेगा कि आप कैसे आगे की तरफ मूव कर सकते हो, ठीक है। तो जो कन्वेक्स मिरर है जनरली उन केसेस में यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रियर व्यू मिरर, क्योंकि ये क्या करता है, जब आप उसको कार की साइड पे लगा देते हो, तो आपको वो पीछे के जितना भी बैकग्राउंड में जो भी आपके व्हीकल जा रहे होंगे आपके पीछे, उनके बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन दे देगा कि कौन सा व्हीकल किस तरीके से कितनी स्पीड से आपके पास आ रहा है। आप जज करके अपनी ड्राइविंग उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर इन तीनों मिरर्स के बारे में, इनके यूजेस के बारे में हमने जनरली स्टडी कर लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट मोटिव है वो क्या है, इनके रिलेटेड इनका थोड़ा न्यूमेरिकल एस्पेक्ट स्टडी करना, ताकि आप कैलकुलेशंस के थ्रू कैसे पता लगा सकते हो कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो मेरी इमेज कहाँ बनेगी, अगर मेरा ऑब्जेक्ट कुछ इतने हाइट का है तो मेरी इमेज कितने हाइट की बनेगी। वो सब क्या है? न्यूमेरिकल इंस्टेंसेस है, जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई एग्जाम्स के अंदर जनरली मिरर से रिलेटेड एक या दो न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रिलेटेड टू साइन कन्वेंशंस। जो ये टॉपिक है साइन कन्वेंशंस, इस टॉपिक के अंदर आप क्या पढ़ेंगे? साइन कन्वेंशन के अंदर आप लोग ये सीखोगे कि आप जब भी अपने मिरर के जो भी प्रोस्पेक्टिव कैलकुलेट करना चाहते हो, यानी मान लो आप इमेज का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हो, आप इमेज की हाइट कैलकुलेट करना चाहते हो, आप इमेज का नेचर देखना चाहते हो, तो उस वक्त कैलकुलेशन करते वक्त जो आपको जो फॉर्मूला है उसके अंदर आपको ये सारे डिस्टेंसेज हैं वो कुछ साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, यानी कुछ डिस्टेंसेज जो होंगे वो आपको पॉजिटिव लिखने होंगे और कुछ डिस्टेंसेज आपको क्या लिखने होंगे, नेगेटिव लिखने होंगे। तो उनके बेसिस पर यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशन आ जाते हैं। तो हम अब वन बाय वन हर एक तरीके के साइन कन्वेंशन को स्टडी करेंगे। तो साइन कन्वेंशन को स्टडी करने के लिए मैं एक सिंपल कनकेव मिरर ले लेती हूँ। सपोज करो ये मैंने अपना एक कनकेव मिरर ले लिया। अब जो भी चीज मैं कनकेव के लिए बता रही हूँ एग्जैक्टली सेम होगी कन्वेक्स के लिए भी,
मतलब मैं इसके बाद आपको कन्वेक्स के लिए भी एक बार ब्रीफ में बता दूंगी, बट एग्जैक्टली वो सब चीजें क्या होती हैं सेम ही होती हैं। अब आपको आपने अगर आप हमारी पिछले वीडियोस अगर आपने देखी होंगी तो यू विल नो कि ये क्या आपका एक कंकेव मिरर है और उसके सेंटर से एक एक्सिस जाती है। इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। यस, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। और ये एक्सिस जहां पर आपके मिरर को कट करती है या इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है पी से, एंड पी इज एक्चुअली पोल। पी क्या होता है, पोल ऑफ द मिरर होता है। अब प्रिंसिपल एक्सिस पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, एक तो हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक हो जाएगा आपका फोकस, ठीक है। ये मैंने आपको जब आपने मैंने आपको डायग्राम फॉर्मेशन दिखाई थी कि इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम्स आपको किस तरीके से बनाने हैं, आपको किस तरीके से जज करने हैं, उस वक्त भी मैंने आपको ये साइन कन्वेंशंस के बारे में ये पॉइंट्स के बारे में कुछ कुछ नॉलेज दी थी, ठीक है। तो अब ये देखो, अब साइन कन्वेंशंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको ये देखनी है कि आप अपना जो ऑब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा। आप देखो, ये तो है मिरर की लेफ्ट हैंड साइड और ये है मिरर की राइट हैंड साइड, ठीक है। अब आप ये समझते हो कि हम क्या है, हम हमेशा यही कंसीडर करते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखेंगे, मिरर से लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। चाहे वो जो कोई भी मिरर हो, चाहे वो प्लेन मिरर हो, कनकेव हो, कन्वेक्स हो, आप हमेशा अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे रखोगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज इन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख लेती हूँ। अब आपकी इमेज, अब मैंने आपको इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स में दो तरीके की इमेजेस बताई थी, एक तो होती हैं आपकी रियल इमेजेस और एक होती हैं आपकी वर्चुअल इमेजेस। जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो मिरर से पीछे बनती हैं, ठीक है। यानी अगर इमेज क्या होगी, राइट पे बनेगी तो वो इमेज क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी। और अगर वो इमेज यहीं पे बनी, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे बनी, तो वो इमेज कैसी बनेगी, वो एक रियल इमेज बनेगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, राइट हैंड साइड पे क्या होगा। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, मिरर से लेफ्ट हैंड साइड पे। ये एक तरीके का रूल है डायग्राम फॉर्मेशंस बनाने के लिए या न्यूमेरिकल्स में प्लस माइनस के साइन को डिटरमाइन करने के लिए। आपने अपने ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। अगर आपकी इमेज रियल बनी तो वो लेफ्ट हैंड साइड पर आएगी, अगर वो इमेज आपकी वर्चुअल बनी तो वो राइट हैंड साइड पर आएगी, ठीक है। अब देखो, अब आपकी जो ये इमेज, अगर ऑब्जेक्ट है आपका वो कहाँ पड़ा है, अगर आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ा हुआ है, तो जो रेज आएंगी, इंसिडेंट रेज है ना, जो टकराकर इमेज फॉर्मेशन बनाएंगी, वो रेज कहाँ से आ रही होंगी, वो रेज इस डायरेक्शन में जाएंगी ना, लेफ्ट से राइट में ही जाएंगी ना। जो आपकी इमेज, जो आपकी आपको रेज चाहिए जो इमेज फॉर्मेशन करेगी, दे विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, लेफ्ट टू राइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। नाउ दिस टॉपिक आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर आपको इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पता लग गई है तो आपके लिए बाकी साइन कन्वेंशंस मेजर करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, जो भी डायरेक्शन, जो भी आप डिस्टेंस है, अगर आप उसे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मापोगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ना। अगर आपको ये रूल याद है तो आपको ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। रूल क्या है, अगर आप किसी भी चीज को, किसी भी डिस्टेंस को डिटरमाइन कर रहे हो और अगर वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रही है, मतलब वो मेजरमेंट हो रही है लेफ्ट से शुरू होकर राइट तक, तो उस डिस्टेंस को आपने क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। मैं अगर इसको हम एक ब्रीफ में लिखना चाहें तो अगर वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव, अगर वो ऑपोजिट है इंसिडेंट रे के तो वो आएगा नेगेटिव, ठीक है। एक शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं लिख रही हूँ ताकि आप इसके नोट्स बना सको साइड बाय साइड, ठीक है। अब आप ये देखो कि यहाँ पर ये, अब आप बोलोगे कि मैम हम कैसे देखें कि ये लेफ्ट टू राइट हो रहा है या राइट टू लेफ्ट, तो उसका भी एक रूल है, जो भी आपने डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है, जो भी आपने डिस्टेंस मेजर करना है उसको हमेशा शुरू कहां से करना है, पोल से।
जो भी आपने डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है उसको स्टार्ट कहां से करना है, यू हैव टू स्टार्ट द डिस्टेंस मेजरमेंट फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस मेजरमेंट स्टार्ट फ्रॉम पोल। कोई भी डिस्टेंस मेजरमेंट आपको करनी है आपको स्टार्ट करना है पोल से, ठीक है। अब मैं हम एक एक करके सारे डिस्टेंसेस देख लेते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अब एक बार इस चीज को मैं रब कर रही हूं, एक मैं चीज आपको बता देती हूँ। जो यू होता है, यू किसका सिंबल होता है, इट इज द सिंबल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू इज द सिंबल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इज द सिंबल ऑफ इमेज डिस्टेंस, ठीक है। U किसका सिंबल है, U सिंबल है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, V किसका सिंबल है, ये सिंबल है इमेज डिस्टेंस का। अब हमने क्या करना है, मान लो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बड़ा है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जो भी मेजरमेंट आपने करनी है कहाँ से शुरू करनी है, पोल से। तो यानी अब मेरे को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डिटरमाइन करना है कि ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूरी पे पड़ा है, तो मैं कहाँ से शुरू करूंगी, पोल से, तो मैं यही डिस्टेंस मेजर करूंगी, देख रहे हो। अब मुझे ये बताओ ये किस डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रही है, ये डायरेक्शन कौन सी है, राइट, ये कौन सी है, लेफ्ट। मतलब ये आप डिटरमाइन कहां से कर रहे हो, राइट टू लेफ्ट जा रहे हो ना, इतना जज कर पा रहे हो, ये आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो कि राइट टू लेफ्ट जा रहे हो। देखो आपने कहां से शुरू किया, पोल से स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट तक आए, तो यू आर गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये क्या है, ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे है, ये क्या है, ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे। तो ये जो डिस्टेंस मेजर हो रहे हैं, इधर वाली डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर हो रहे हैं, ये सब क्या होंगे, दे विल बी नेगेटिव, ये क्या होंगे सब, ये सब होंगे नेगेटिव। समझ आया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो डिस्टेंस मेजर हो रहा है ये होगा नेगेटिव। अब सिमिलरली अगर आप क्या है, अगर मान लो कि यहां पर कोई इमेज बन गई है, ठीक है, अब इस साइड पर ऑब्जेक्ट तो जा नहीं सकता, इस साइड पर इमेज ही होगी। अब अगर आपको इस साइड पर अगर आपको कुछ डिस्टेंस मेजर करना है, तो आप देखो पोल से स्टार्ट करोगे, यू विल मूव दिस। अब ये देखो ये किस डायरेक्शन में जा रहे हो, लेफ्ट से शुरू हुए राइट की तरफ, एरो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट किसकी डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे की। तो अगर हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो वो डिस्टेंस मेजर क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। आप चाहो तो इसे सीधा भी याद कर सकते हो, अगर इधर वाली डायरेक्शन में, अगर इधर वाली डायरेक्शन में कुछ भी माप रहे हो तो वो होगा नेगेटिव, इस डायरेक्शन में अगर कुछ भी मेजर कर रहे हो तो वो होगा पॉजिटिव। ये एक सिंपल तरीके का साइन कन्वेंशन है जो आपको कहाँ यूज आएगा, अगर आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना होगा या इमेज का डिस्टेंस मेजर करना होगा, उसमें आप ये साइन कन्वेंशन का यूज करोगे। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अब अगर आपको इतनी चीज समझ में आ गई है, तो आप मुझे एक चीज जरूर बताना, आप मुझे ये बताना कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जरा सोचो इसको 2 मिनट। आपको इतना तो पता लग गया कि अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट तो वो होगी नेगेटिव, अगर हम कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो वो होगी पॉजिटिव। तो मुझे ये बताओ ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा, विल इट बी नेगेटिव और विल इट बी पॉजिटिव। अब देखो इसमें इतनी ज्यादा सोचने की क्या बात हुई, हमने अभी तो देखा जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा कहाँ होगा, इट विल ऑलवेज बी इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, तो आपकी हमेशा मेजरमेंट कहाँ से शुरू होगी, पोल से, आप इधर ही आओगे हमेशा, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही पड़ा होगा, तो आप मेजरमेंट करने के लिए पोल से हमेशा क्या है, इधर ही आओगे, तो आप हमेशा राइट टू लेफ्ट ही जाओगे। अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो आपकी मेजरमेंट हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। तो ये आप हमेशा याद भी कर सकते हो कि आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, वो हमेशा नेगेटिव होगा, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई है, अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो राइट टू लेफ्ट तो वो होगी नेगेटिव, अगर वो लेफ्ट टू राइट कर रहे हो तो वो होगी पॉजिटिव। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, ये मेजरमेंट आपको स्टार्ट करनी है हमेशा पोल से, और यहाँ पे आपको क्या पता लगता है कि आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। मैं एक और चीज आपको बताती हूँ, अब मान लो इमेजिन करो
कि आपकी जो इमेज बन रही है वो रियल इमेज है। आपकी इमेज क्या बन रही है? रियल इमेज। अब रियल इमेज कहाँ पर बनेगी? रियल इमेज यहीं पर बनेगी। मान लो मैं कुछ ऐसा बेबी सा बना रही हूँ, आप वैसे हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनानी है, पर मैं बेबी बना रही हूँ जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि एक इमेज है, ठीक है। अब अगर अगर मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर अगर इमेज बनती है तो उस इमेज को क्या बोलते हैं, रियल या वर्चुअल? उस इमेज को बोलते हैं रियल इमेज। तो ये कैसी इमेज होगी? एक रियल इमेज। अब देखो, अब ये मेजरमेंट कैसे होगी? राइट टू लेफ्ट होगी ना। अगर इमेज रियल इमेज बन रही है, यानी जो इमेज है वो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर बन रही है, तो वो मेजरमेंट कहाँ से होगी? राइट टू लेफ्ट ही होगी ना वो मेजरमेंट हमेशा। तो राइट टू लेफ्ट अगर आप मेजरमेंट करोगे तो वो हमेशा क्या होगी? नेगेटिव। इसका मतलब आप ये भी चीज याद रख सकते हो, इसमें मैं दो कैटेगरीज बना देती हूँ इमेज में, एक तो रियल वाली एक वर्चुअल वाली। जो रियल इमेज का डिस्टेंस है वो हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव। अगर इमेज डिस्टेंस क्या आया? नेगेटिव, तो आप रेडिली बता सकते हो ये इमेज कैसी होगी? रियल इमेज होगी। अब मानो अगर आपकी इमेज क्या बनी है? यहां पर बनी है कहीं, ठीक है। इमेज क्या बनी है आपकी? मिरर की राइट हैंड साइड पे बनी है। तो राइट हैंड साइड पे कौन सी मिरर बनती है? मैंने यहाँ लिख भी रखा है, राइट हैंड साइड पे बनती है आपकी वर्चुअल इमेज। तो अगर वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस मेजर करोगे तो कहां से शुरू करना है? पोल से। तो आप इधर की तरफ जाओगे, इधर की तरफ जाओगे, तो इस तरह जाते वक्त आपका डिस्टेंस मेजरमेंट क्या होता है? पॉजिटिव। यानी वर्चुअल इमेज का हमेशा डिस्टेंस मेजरमेंट क्या आएगा? वो होगा पॉजिटिव। यानी अब आपको सीधा सीधा ये चीजें याद भी कर सकते हो आप, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा हमेशा? आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा होगा नेगेटिव। अगर आपकी इमेज रियल है तो रियल इमेज डिस्टेंस क्या आएगा? नेगेटिव। अगर आपकी इमेज क्या बनी है? वर्चुअल बनी है, इरेक्ट बनी है, तो आपकी इमेज, आपका इमेज डिस्टेंस क्या आएगा? पॉजिटिव। ये सिंपल सी चीजें हैं जो अपने एग्जाम के लिए याद करके रख सकते हो। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारा जो फोकस का डिस्टेंस होगा, फोकस हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ये हमारा मेन चीज है जो डिटरमाइन करना रह गया। अब आप ये देखो, जब हमने इमेज फॉर्मेशन सीखी थी तब हमने क्या देखा था कि जो हमारा कंकेव मिरर होगा उसके लिए हम कौन सा फोकस यूज करते हैं? ये वाला जो हमारा कंकेव मिरर है उसका फोकस हम कौन सा यूज करते हैं? ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। देखो, अगर कोई इंसिडेंट रे इस तरीके से आ रही है तो वो हमेशा कहाँ जाती थी? इस वाले फोकस में से पास करती थी। तो वी यूज दिस फोकस, ठीक है। तो जो अब आपका फोकस किस साइड पे है? लेफ्ट हैंड साइड पे है। फॉर विच मिरर? कंकेव मिरर। फॉर योर कंकेव मिरर आपका जो फोकस है वो किस साइड पर है? आपका लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो फोकल डिस्टेंस इन केस ऑफ कंकेव मिरर, कंकेव मिरर के केस में जो आपका फोकस होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। क्योंकि देखो ना, कैसे डिटरमाइन करोगे? इस तरीके से जाओगे, राइट टू लेफ्ट जाओगे, तो राइट टू लेफ्ट जाते वक्त डिस्टेंस क्या होता है? नेगेटिव। तो फॉर कंकेव मिरर फोकस क्या होता है? नेगेटिव। अब मैं सीधा से एक बार वैसे भी बता देती हूँ आपको, कन्वेक्स मिरर के लिए जो आपका फोकस होता है वो होता है पॉजिटिव। फॉर योर कन्वेक्स मिरर द फोकस इज पॉजिटिव, ठीक है। वो कैसे? वो कुछ इस तरीके से होगा। देखो, अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर रही हूं। देखो, अपना कन्वेक्स मिरर कैसे बनाओगे? इस तरीके से, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है। अब इस केस में आप फोकस कौन सा यूज करते थे? इधर वाली साइड का ना। देखो, अगर इंसिडेंट रे आती थी तो हम क्या मानते थे? ये लगेगी कि इट विल अपीयर टू मीट दिस फोकस, बट ये क्या हो जाएगी यहाँ पे इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? ये डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो हम कौन सा फोकस यूज करते थे? इस साइड का फोकस यूज करते थे। कौन सी साइड पे है? राइट हैंड साइड पे। और अगर आप पोल से राइट हैंड साइड पर इधर जाते हो, लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो वो क्या होता है? पॉजिटिव। इसलिए जो आपके कन्वेक्स मिरर का जो आपका फोकस होगा वो क्या होगा? आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक और चीज आपको याद रखनी है हमेशा, ये मान लो आपका मिरर है और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अगर तो आप हाइट मेजर कर रहे हो, मतलब अगर आप हाइट ऐसे मेजर कर रहे हो, ऊपर ऊपर ऐसे जा रहे हो, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो ये हाइट मेजरमेंट क्या होगी? पॉजिटिव। अगर आप यहां से नीचे जा रहे हो, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जा रहे हो, तो वो क्या होगी? नेगेटिव।
यानी जो भी हाइट मेजरमेंट करनी है ना, वो आपको स्टार्ट करनी है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जा रहे हो तो वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाओगे तो वो क्या होगी, नेगेटिव। अब ये देखो कैसे, देखो ऑब्जेक्ट तो हमेशा, हमने इमेज फॉर्मेशन के वक्त भी देखा था, ऑब्जेक्ट तो हमेशा कहाँ पड़ा होगा, वो तो हमेशा आपके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा। तो जो आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, वो तो हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। बट जब आपकी इमेज है रजे, अब अगर इमेज क्या बनी, रियल बन गई, तो रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है ना। रियल इमेज क्या होती है, हमेशा इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनती है। तो जो आपकी इमेज अगर क्या हुई, रियल, तो उसकी जो हाइट होगी वो हो जाएगी नेगेटिव। और जब आपकी वर्चुअल इमेज बनती है, वो कैसे बनती है, इरेक्ट। तो आपकी इमेज अगर क्या हुई, वर्चुअल, तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। उसकी हाइट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये कुछ साइन कन्वेंशन है आप जो आपको आगे के लिए, जैसे न्यूमेरिकल अगर आपको कोई आता है तो उसमें आपको ध्यान रखनी होगी। हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक मिनट के अंदर। जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा होता है नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस आपका, अगर तो इमेज क्या है, रियल, तो वो होगा नेगेटिव। अगर इमेज क्या है, वर्चुअल, तो वो होगा पॉजिटिव। अगर आपका जो कंकेव मिरर अगर आप यूज कर रहे हो, तो कंकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा होगा नेगेटिव, और कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ होगा आपका पॉजिटिव। अब ये तो हो गए डिस्टेंसेस की बात। अब अगर हाइट मेजरमेंट करनी है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। पर अगर ये इमेज जो आपकी, अगर इमेज क्या बनी, रियल, तो रियल, रियल क्या होती है, रियल इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज क्या बनेगी, नेगेटिव, उसकी हाइट क्या आएगी, नेगेटिव। वर्चुअल इमेज कैसी बनती, इरेक्ट, तो उसकी हाइट भी हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। तो ये वीडियो थी आपकी साइन कन्वेंशन के बारे में, जो आपको आगे अगर आप न्यूमेरिकल करना है, आपको जैसे मिरर फॉर्मूला का यूज करके न्यूमेरिकल करना है, तो उसमें आपको ये हेल्प करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आपका मिरर फॉर्मूला है और आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, उनको स्टडी करेंगे और उनके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे क्लास में। टिल देन थैंक यू।